हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको रोज़ काम में आने वाली किचन टिप्स बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अभी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये देखिए नींबू कितना टाइट हो गया है फ्रिज में रखने से और इसका रस नहीं निकल रहा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें गरम पानी डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। देखिए ये लोहे की कढ़ाई है, अक्सर लोहे की कढ़ाई में जंग लग जाती है। ये देखिए धुल कर रख देते हैं तो अक्सर कढ़ाइयों में जंग लग जाती है। देखिए इसको कॉटन लेंगे, थोड़ा सा सरसों का तेल भिगा लेंगे इस तरह से। अब इस कढ़ाई को हम रख देंगे, फिर इसको जब निकालेंगे तब इसमें जंग नहीं होगा। अब इसमें जंग नहीं लगेगी चाहे जब तक रख दें। ये देखिए मेरे पास पुराना ट्रे है, थोड़ा गंदा हो गया है, इसको मैं चमकाना चाहती हूँ। अब चमकाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये देखिए ये प्याज का रस है और इसी में हम सिरका मिलाएंगे थोड़ा सा। अब एक कार्टन लेंगे, इसमें डाल देंगे और धीरे धीरे इसको रगड़ेंगे। इस ट्रिक से आप लोग अपना सारा स्टील का बर्तन चमका सकती हैं। ये देखिए कितना चमकने लगा। ये देखिए रुई कितना गंदा हो गया है, कॉटन कितना गंदा हो गया है। देखिए ये देखिए नींबू एकदम मुलायम हो गया यार। देखिए ये देखिए बहुत आसानी से कट जा रहा है, अब बिल्कुल मुलायम और रस भी निकलने लगा है। ये देखिए ये अब ये देखिए इसको, इसमें से रस निकालने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही, एकदम मुलायम नींबू हो गया ये। अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।